नमस्कार, योजना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साउथ इंडियन सांभर। साउथ इंडियन खाना आजकल हर एक किसी को बहुत पसंद आता है, तो ये सांभर आप इडली के साथ खाइए, डोसे के साथ खाइए, वड़े के साथ खाइए। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। ये मैंने एक कटोरी अरहर की दाल ली है, जिसको कि 4 कटोरी पानी में करीब 1 घंटा पहले भिगो दिया था। इसमें डालने वाली सब्जियां हैं 4-5 भिंडी, 2 टमाटर, 1 प्याज, थोड़ा सा गोभी का पीस, 1 छोटा सा बैंगन और 3 चम्मच सांभर मसाला। ये देखिए, मैंने कुकर में वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। आप इसमें वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। जैसे ये गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें ये छोटी वाली राई डालूंगी। गर्म हो गया है, इसमें मैं ये राई डाल रही हूँ और इस राई के क्रैकल होते ही हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और थोड़ा सा इसे भूनेंगे। ये कड़ी पत्ता डालूंगी, हमारी अधभूनी सी हो गई है। अब इसमें एक एक करके सब सब्जियाँ डालूंगी। पहले मैंने ये बैंगन डाला, फिर ये भिंडी डाली, फिर ये लौकी डाली। अब इसे थोड़ा सा भूनेंगे हम। टमाटर डाल दिए हैं थोड़ा सा चलाकर। अब ये जो सांभर मसाला हमने लिया था, ये हम अंदर ही डाल देंगे। ये मैं आधी चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। पूरी दाल डाल दूंगी पानी से ही। कुकर पे हम ढक्कन लगा के इसमें स्टीम आने देंगे। इसमें कुकर में 3 सीटियां आ चुकी हैं और अब स्टीम निकल गई है। अब मैं इसको खोल के देखती हूँ कि सांभर कैसी है। हाँ, हमारी सांभर बिल्कुल तैयार है। मैंने गैस ऑन कर दी है। अब इसमें हम खटास के लिए इमली का पल्प डालेंगे। ये मैंने करीब 1/2 ग्लास लिया है। और इसको सांभर हम थोड़ी पतली ही रखते हैं। देखिए, अभी कम पतली है, तो इसमें मैं थोड़ा पानी और डालूंगी और इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। मैंने करीब 1 ग्लास पानी डाल दिया है इसमें। अब हम इसको पकाएंगे। सांभर में ऊपर से डालने के लिए हम इसका तड़का बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ इसमें। ये तेल गर्म हो गया, अब इसमें मैं ये राई डाल देती हूँ। राई क्रैकल हो रही है, इसमें मैं ये लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ और गैस को बंद कर देते हैं। और इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते। ये सांभर मैंने एक बोल में कर ली है, इसके ऊपर मैं ये तड़का डाल रही हूँ। और ये सांभर अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है।